व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है देवेंद्र कबलाना और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे अपना जो है वेट बढ़ाने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिसका वेट नहीं बढ़ता है, हर चीज़ ट्राई कर चुके होते हैं, तो प्रॉपर कैसे कितनी डाइट लेनी चाहिए, क्या उनको वर्कआउट करना चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा जो आपको हेल्प करेंगे आपका वेट गेन करने में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें उससे पहले और बेल आइकन को भी दबा दें। तो गाइस, टिप नंबर वन है कि आप जो है वर्कआउट करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें आप, वो चाहे जिम जाके करें या आप पार्क में या किसी भी तरह का आप कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपको आपकी मसल्स जो है टूटे और आप प्रॉपर खा पाएँ और आपका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल उसे इंक्रीज़ हो। और अगर आप जिम जा रहे हैं, स्पेशली जो मैंने जो किया है मैं आपको वही बता सकता हूँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो आप वेट जब लेते हैं वेट को हैवी रखें, वर्कआउट आप अपना रैप चाहे 6-8 के बीच में रखें और जो अपना वेट थोड़ा हैवी रखने की कोशिश करें, उससे आपको हेल्प होगा कि आपका जो साइज़ है वो ग्रो करेगा। ये एक चीज़ थोड़ी सी अलग है, बाकी इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो हम अलग से बना देंगे, पर इस एक छोटा सा टिप साथ में मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल एक्टिविटी आप कोई भी करें उससे आपका जो है मसल टूटेगी, आप खाएंगे अच्छा, आपका वेट गेन होगा। तो गाइस, टिप नंबर टू जो है वो है आपकी डाइट। आप अच्छे से जो है आप खाते हैं जो भी, वो प्रॉपर डाइट आप लें सही मात्रा में, सही टाइम पे आप अपना जो है मील लें। ऐसा नहीं है कि आप कम खाएं, जो और स्पेशली जो आपकी डाइट रहेगी उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा रखें। और कार्बोहाइड्रेट्स अब मैंने बोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बर्गर से या इस चीज़ गंद से जंक फूड से खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर हेल्दी फूड, ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, और भी कई चीज़ें हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा वीडियो में, क्या आपको वेज नॉन वेज डाइट जो है वो अलग से टॉपिक हम किस दिन करेंगे। तो मेन मेरा यही है, फोकस आपका इसी पे होना चाहिए कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो अच्छी हेल्दी डाइट लें और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा हो, जो कि आपको हेल्प करेंगी आपका वेट गेन करने में। तो गाइस, जो टिप नंबर थ्री है वो है कि नेचुरल जो नॉर्मल घर का खाना हो गया या जो डाइट फॉलो लोग करते हैं, कई बार जिनका ट्रैवल भी ज़्यादा होता है प्रॉपर कार्ब्स नहीं ले पाते हैं, तो उनको मैं क्या बोलते हैं वो सजेस्ट करूँगा कि आप या तो गेनर, मास गेनर या कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग से आते हैं सप्लीमेंट के तौर पर, आप वो ट्राई करके देखें। आई होप कि आपको उससे हेल्प मिलेगी। उससे क्या होता है कि जब नेचुरली आप अगर क्या बोलते हैं नहीं खा पाते हैं उतनी अमाउंट में उतना खाना, कई कई बंदे होते हैं जो ज़्यादा नहीं खा पाते हैं या ट्रैवलिंग की वजह से या बिजी स्केड्यूल की वजह से उतना खाना नहीं खा पाते हैं, तो उनको ये हेल्प करेगा। आप जस्ट एक शेकर में मिलाया पी लिया तो वो चीज़ आपको बेनिफिट ज़रूर करेगी। टिप नंबर फोर पे आते हैं, वो है गाइस कि आप जो अपना जो मील्स लेते हैं दिन भर में जो भी खाते हैं उसको प्रॉपर अपने मील्स में डिवाइड करें, 4 से 5, 5 से 6 तो रखें, कम से कम 5 मील्स अपने रखें, हो सके तो उसको 5-6 मील्स में डिवाइड करके और उस हिसाब से खाएं। आप एक साथ मतलब वो मैंने जैसे शुरू में बताया आपको कि जो आप खा रहे हैं वो अच्छा खाना भी होना चाहिए और आपको सही टाइम पर भी खाना चाहिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। बॉडी में प्रॉपर टाइम पे मतलब टाइम टू टाइम कार्ब्स आपके, प्रोटीन आपके, फैट्स आपके रिलीज होते रहेंगे और बॉडी उनको प्रोसेस में रखिएगी। अगर आप एक टाइम का जैसे स्किप कर दिया आपने, बीच में आपका टाइम निकल गया, तो वहीं मतलब छोटी छोटी यही कमियां होती हैं गाइस, हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो जो कि आज मैं आप जितने भी टिप्स बता रहा हूँ आप सारे फॉलो करके उसमें से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप ये चीज़ समझ गए होंगे, आप 5-6 मील्स में डिवाइड करके खाएं अपना जो है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। टिप नंबर 5 पे आते हैं गाइस, आप जिम अगर जा रहे हैं, डाइट भी ले रहे हैं, नहीं आपका वेट गेन हो पा रहा है, कुछ ज़्यादा स्किनी लोग हैं या वीक लोग हैं, आप जो है एक सप्लीमेंट अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, वो है क्रिएटिन। तो वो आपको हेल्प करेगा मसल आपकी ग्रोथ करने में, आपका जो है वेट गेन होने में, आपका जो है स्टेमिना भी उससे बढ़ेगा और आप उसको वर्कआउट के टाइम भी ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद प्रोटीन के साथ भी ले सकते हैं, कैसे भी आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने उसमें और प्रॉपर तरीके से, या उसमें कितने क्या टाइप्स के होते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं, सस्ता ही होता है वैसे तो, और आप बोलोगे तो नीचे कमेंट करके बताना, हम वीडियो उसके लिए भी अलग से बना देंगे। तो सिंपल है गाइस, ये 5 टिप्स आपके लिए आज वेट गेन करने के लिए, और वीडियो आज की यहीं ख़त्म होती है। वीडियोस डेली आती रहेंगी हमारे चैनल पे, आपके चैनल पे, तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।
ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले।